की, खाटू श्याम भगवान की। आप सभी भक्तों से ये निवेदन है, आज एकादशी है, आज के दिन खाटू श्याम भगवान का परिक्रमा देने के लिए सभी माता बहनाएं चले और ये परिक्रमा दूसरी बार लग रही है, बारी बारी से सबको परिक्रमा दे रही है। और इस परिक्रमा के हमारे संचालक हैं जगमोहन दास जगदी भगत जी। सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप सभी इच्छा पूर्ति धाम से परिक्रमा उठाकर इच्छा पूर्ति धाम पर ही पीछे पीछे नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए चले। आपकी अतकृपा के ऊपर खाटू श्याम भगवान की अतकृपा होगी। बोलिए खाटू श्याम भगवान की, इच्छा पूर्ति धाम की जय। जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मेरे को शायद आपको सूचित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महाराज जी ने आपको ऑलरेडी बता दिया इस वीडियो में क्या होने वाला है। और ये जो 12 किलोमीटर की खाटू श्याम जी की परिक्रमा है वो कर्मयोगी स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज जी के सानिध्य में होगी। तो चलिए देखते हैं हमारी परिक्रमा कैसी जा रही है। इच्छा पूर्ति धाम की, खाटू श्याम की, माता बहनाओं की, इच्छा पूर्ति मैया की। आप सभी भक्त लोग देख रहे हैं, दूर दराज से सभी आए हैं। ये है गंगा नहर, आप देखिए ये गंगा नहर है। और यहाँ से और वो जगह चमक रही है जिसको सांपन कहते हैं, नाले वाली जगह, वहाँ तक घाट बनवाया जाएगा पूरा। जो कल सर्वे हुई है, अधिकारियों से मेरी बात हुई कि जल्दी इसमें नंबर लग जाएगा, तो इसमें आधा घाट बनेगा लेडीज घाट और आधा बनेगा जेंट्स घाट। और कभी अब तो ये कभी कभी सूख भी जाती है गंगा नहर, मगर जब घाट बन जाएगा तो इसमें पानी नहीं सूखेगा। जय हो। अगर बहेगा पर रहेगा, बहेगा नहीं तो रहेगा जरूर। इसीलिए इस जगह का नाम है इच्छा पूर्ति धाम घाट। इच्छा पूर्ति धाम घाट, इच्छा पूर्ति धाम घाट। बोल कर्म योगी राजेंद्र देव महाराज की जय। जय श्री राम। इस जगह पे होती है अर्ध परिक्रमा। Oh,
हमारा छोटे में थे जान दे और हमारा हम थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में समय देने के लिए। और इस वाली वीडियो में स्वामी जी देखिए कैसे लोगों को सफाई के लिए जागरूक कर रहे हैं।